नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कमाल की जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में अगर आपके पास रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का अगर आपके पास टिकट है, रिजर्वेशन टिकट, और आप चाहते हैं कि उसे घर बैठे हम कैंसिल कर पाएँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। या आप सीखना चाहते हैं कि भविष्य में आपके पास कभी रेलवे टिकट काउंटर से रिजर्वेशन करते हैं और आपको कहीं कैंसिल कराने की ज़रूरत पड़ता है, तो आप घर बैठे आप टिकट को कैंसिल कर पाएंगे और आपको रेलवे काउंटर पे जाकर के टाइम वेस्ट करने से बचेंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पे, आप घर बैठे जो है कैंसिल कर पाएंगे और आपका पैसा जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आप रेलवे काउंटर पर आपको टिकट बुकिंग करने समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप रेलवे से अगर रिजर्वेशन करते हैं टिकट काउंटर से या खुद से करते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप सफ़र भी करते हैं रेलवे में, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर के, जो कि बहुत ही बड़ा जानकारी है। आपको इस जानकारी को आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग को टिकट बुकिंग करना, रेलवे का टिकट रेलवे काउंटर से टिकट लेना, वो कैंसिल करना, ये तो लगभग हर आदमी को आजकल ये ज़रूरी बन गया है। रेल से सफ़र करना और टिकट को रिजर्वेशन कराना, कैंसिल करना, बार बार काउंटर पर जाओ, एक बार बुकिंग करने के लिए जाओ, एक बार कैंसिल कराने के लिए जाओ, तो ये अच्छा बात नहीं है कि कैंसिल कराने भी हम घर पे जाएं और कैंसिल करने का ऑप्शन जो है हम लोग को IRCTC की वेबसाइट पर रहता भी है, तो हम लोग क्यों जाएंगे। जानकारी नहीं रहने के कारण एक बार लोग जाते हैं टिकट को बुकिंग कराने के लिए काउंटर पर और एक बार जाते हैं कैंसिल कराने के लिए, दोगुना खर्चा होता है, काम भी कुछ नहीं होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आप काउंटर टिकट को आप घर बैठे कैसे कैंसिल कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से, और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप रेल से सफ़र करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, और हमारे चैनल पर पहले बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे। कोई सवाल सुझाव होता हो तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको जाना अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है IRCTC टाइप करने के बाद सर्च कर लेंगे हम लोग। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे जो वेबसाइट आता है www.irctc.co.in, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखेंगे क्लिक हम कर दिए हैं, और हम पहला नंबर आपको मैं बता दूँ कि PNR नंबर और ट्रेन नंबर की आवश्यकता होता है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ फिलहाल आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपको आसानी हो। आपको टिकट कैंसिल करने के लिए, काउंटर टिकट कैंसिल करने के लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। पहला नंबर कि आपका जो टिकट बुकिंग करवाए हैं उसमें आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आप उसमें दिए होंगे, आपको ऐड होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि उन लोग लापरवाही करता है और आपका मोबाइल नंबर नहीं ऐड करता है आपको फॉर्म में देने के बाद भी, तब उस टाइम पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप बोल करके मोबाइल नंबर अपना जुड़वा लें। जब भी आप टिकट को बुकिंग करें तो रजिस्टर्ड करवा लें, टिकट बुकिंग करते समय अपना मोबाइल नंबर को जरूर ऐड करवाएं और मोबाइल नंबर जरूर दें। ये चीज़ आपको होना चाहिए, क्योंकि OTP उस पर आएगा, और उस आपका टिकट आपके पास होना चाहिए, उसका PNR नंबर और आपका ट्रेन नंबर होना चाहिए, और उस पर आपका जो टिकट बुकिंग करने समय जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आपका OTP आएगा। OTP के लिए मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, या OTP आप किसी तरीका से किसी से जिसका भी टिकट करना चाहते हो उससे आपको लेना होगा। ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और चौथा चीज़ ये है जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी टिकट काउंटर पे जाएं तो आप अपना कार्ड के द्वारा पेमेंट करें, ATM कार्ड के द्वारा पेमेंट करें, ताकि आपका जब कैंसिल आप करें तो आपको काउंटर पे पैसा लेने के रिफंड लेने के लिए आपको नहीं जाना पड़े। आपको सेम बैंक अकाउंट में जिस भी अकाउंट से पेमेंट आप कार्ड के द्वारा किए होंगे, सेम आपको जब कैंसिल करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट में रिटर्निंग जो है पैसा कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा कैंसिलेशन चार्ज को काट करके। ये चीज़ आप दो चीज़ पहला नंबर ध्यान जरूर दें, अपना मोबाइल नंबर जरूर ऐड करवाएं, और जहाँ तक आपको हो कि कार्ड द्वारा आप पेमेंट करें, अगर आप कार्ड द्वारा पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको कैंसिल तो आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आप कर पाएंगे, लेकिन आपको अगर बैंक अकाउंट द्वारा पेमेंट नहीं किए हैं कार्ड द्वारा आप ऑनलाइन, तो आपको पैसा तो आप कैश दिए हैं तो कैसे आपको काउंटर से लेने जाना होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन लेने का भी कुछ टाइम है, ट्रेन को खुलने वहाँ से खुलने का टाइमिंग से आपको
चार घंटा पहले तक आप पैसा आप ले लें। अगर नहीं ले पाते हैं काउंटर से जा करके तो आपका जो है पैसा नहीं मिलेगा, ये रेलवे का नियम है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि आप जब आप अकाउंट द्वारा आप कार्ड द्वारा पेमेंट नहीं किए हैं तो आप कैश पेमेंट किए हैं तो आपको कैश लेने जाना होगा काउंटर पे, और जाने के लिए आपको जो आपका कैंसिल तो आप भला कर देंगे मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आप कर सकते हैं ऐसा, और करने से आपको बेनिफिट क्या होगा इस भी आपको जानकारी दूंगा। तो आप घर बैठे तो आप कर पाएंगे, लेकिन आपको पैसा लेने जाना होगा। उसके लिए आपको जो टिकट रहेगा, टिकट का हार्ड कॉपी जो रहेगा उसका, जो टिकट आपको प्रिंट करके काउंटर से मिलेगा, वो टिकट को आपको लेकर के जाना होगा और चार घंटे पहले अपना किसी भी नज़दीकी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर के आपको टिकट दिखाना है और उससे आपको टिकट लेकर के जाना है। आपका पैसा जो है टिकट आप कैंसिल कर देंगे, लेकिन पैसा जो है आपको चार घंटा पहले जाकर टिकट लेकर के जाएंगे काउंटर पर, वहाँ पर आप पैसा आपको मिलेगा। ये चीज़ आपको हो गया। और पहला नंबर आपको बता देता हूँ कि अब अगर जब मुझे कुछ लोग सोचते होंगे कि मुझे जाना पड़ेगा टिकट काउंटर पर पैसा लेने के लिए और मुझे जाना ही पड़ जाएगा, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट किए हैं उन लोगों को तो जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उन लोग को कार्ड द्वारा पेमेंट किया, उन लोगों को तो बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगा। अब जो लोग खुद से कैश दिए हैं उन लोगों को तो कैश लेने जाना ही होगा। तो देखिए जाने से अब तो उन लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैंसिल क्यों करूँगा यहाँ से, जब काउंटर पर ही चला जाऊँगा तो कैंसिल करने से बेनिफिट क्या होगा। एक होशियार लोग एक होशियार मेरे मोहल्ले में थे जो भुगत रहे हैं अभी फिलहाल में, तो आपको मैं एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, अभी जस्ट का ही है, आपको मैं चल के दिखा रहा हूँ, देख रहा हूँ ट्रेन मैन एप्लीकेशन में मैं गया हूँ और एक मुझे टिकट काउंटर पे गया, संडे का दिन एक जगह बंद था, यही पीएनआर नंबर है उनका, और उनका जो था वो वेटिंग था, जो पीएनआर नंबर था ये जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये वेटिंग था, और वेटिंग का मैं आपको अगर बताया हूँ कि वेटिंग का जो टिकट कैंसिल होता है काउंटर का हो या उसका आपका टिकट हो मोबाइल फ़ोन से बुकिंग किया हुआ टिकट हो, सबका कैंसिलेशन चार्ज जो है सेम है, सेम कटता है। और ₹60 वेटिंग था तो ₹60 एक आदमी के कटता, दो पैसेंजर हैं हालांकि स्पिनर में, तो अब आपको नहीं जाना है तो आप जितना जल्दी हो सके टिकट को कैंसिल कर लीजिए, और हो सकता है कन्फर्म हो जाए तो आपका दोगुना पैसा लगेगा, जहाँ पर ₹60 लगता था वहाँ पर अब आपको ₹120 लगने लगेगा। और चार्ट बन जाता है तो आपको कोई पैसा भी रिफंड नहीं होगा, आप कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर जाना नहीं है तो आप जितना जल्दी हो सके अपना टिकट को कैंसिल करा लें, क्योंकि टिकट के टाइमिंग के ऊपर भी कैंसिलेशन जो है वो चार्ज जो है बढ़ते जाता है। तो ये चीज़ हमें जाना नहीं है तो हम कैंसिल कर लेंगे। टिकट वेटिंग था आपको सर्च करके फिलहाल मैं दिखा दे रहा हूँ, 25-26 वेटिंग था जब मुझे सुबह में, और ये देख रहे होंगे कि अभी 100% कन्फर्म यहाँ पर शो कर रहा है, S1 में 79 और 80 इनको सीट मिल चुका है, देख रहे होंगे आप ये वेटिंग यहाँ पर देख रहे होंगे बुकिंग मीटर्स में वेटिंग था ये, क्योंकि जब मैंने चेक किया था सुबह में ये तो वेटिंग था, और इनका जो कैंसिलेशन चार्ज जो था वो यहाँ पे आपको ₹120 दोनों को कटता था, वेटिंग के टिकट को ₹60 दिन 120 में बोला वेटिंग का ₹60 पर पैसेंजर कटता है। अब यहाँ पे ₹220 इन्हें भुगतना पड़ रहा है, यानी कि दोगुना अब चार्ज इनको भरना पड़ रहा है। यही टिकट को अगर सुबह से कैंसिल कर लिए होते वो डर से कैंसिल नहीं किया, अगर मैं खुद से कैंसिल मैं करवा दूँगा तो पैसा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा क्यों नहीं मिलेगा, टिकट कैंसिल कर दिया तो पैसा तो मिलेगा भाई, हमें जर्नी नहीं करना है, ये रेलवे का नियम है। तो यही चीज़ है कि टिकट आप कैंसिल कर लीजिए और ट्रेन को खुलने से चार घंटा पहले आपने टिकट को लेकर के जाइए काउंटर पे, आपको पैसा जो है वो मिल जाएगा, कैंसिल आप यहीं से कर लीजिए। कैंसिल हो गया होता तो इनका पैसा जो है दोगुना नहीं भरना पड़ता, तो इस तरह के आप भ्रम में न रहें। चलिए हम ISTC.co.in वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं, ISTC ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि चार लाइनिंग सा आता है ISTC लिख करके, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, लेकिन मेरा मोबाइल स्लो है तो ये टच काम नहीं कर रहा है फिलहाल, फिर तुमने क्लिक किया ये 3 लाइनिंग पे फिलहाल मैं क्लिक किया, देख रहे होंगे काम किया। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप मोर का एक ऑप्शन आता है, ध्यान रखेंगे मोर पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। एक यहाँ पे ऑप्शन आता है काउंटर टिकट कैंसिलेशन, तो आपको काउंटर टिकट कैंसिलेशन पर आपको क्लिक करना रहेगा। आपको दो तरीका मैं बताऊंगा, इस तरीका से अगर जब आपको समझ में नहीं आए या कुछ ज़्यादा लगता हो ज़्यादा लफड़ाबाजी है इससे कैंसिल करने में, तो आपको दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जो घर बैठे आप कैंसिल कर पाएंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक।
अब यहाँ पे देखेंगे कि और इस पेज का भी आपको आसानी हो, इस पेज का जो डायरेक्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, कैंसिलेशन डायरेक्ट सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट चेंज पे आपको नहीं क्लिक करना है, कैंसिलेशन पे ही आपको रहता है, तो यहाँ कैंसिलेशन पर ही आपको रखना है, क्योंकि बोर्डिंग पॉइंट चेंज का दूसरा कुछ होता है बोर्डिंग चेंज करने का मतलब। अब यहाँ पे आपको जो टिकट का पीएनआर नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, फर्स्ट बॉक्स में पीएनआर नंबर आपको डालना है। चलिए मैं पीएनआर नंबर को यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे ट्रेन नंबर मुझे डालना है, तो ट्रेन नंबर भी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 13025। देखेंगे कि ट्रेन नंबर जो होता है वो 5 अंकों का आपको रहता है, कोई भी ट्रेन 5 अंक का 5 डिजिट का आपका नंबर रहेगा, और पीएनआर रहता है 10 अंकों का, यानी कि 10 डिजिट का आपका पीएनआर नंबर होता है। तो आप देखने में कहीं मिस्टेक इधर उधर ना डाल दें, पहले नंबर आपका पीएनआर नंबर रहेगा, इसके बाद दूसरे में आपका ट्रेन नंबर, और तीसरे बॉक्स में आपको रहेगा कैप्चा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ अंक में कुछ वर्ड में, तो आपको सेम उस तरीके से डाल देना है 4, 7, 4 और एक बड़ा ए है और एक अंक में छोटा ए है, ये हम डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आई हैव रीड कैंसिलेशन बोर्डिंग पॉइंट चेंज प्रोसीड इन इट्स रूल, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारा नियम कानून जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे कैंसिलेशन होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है कि ये तो बोल रहा है यही चीज़ को यहाँ बोल रहा है कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम सब कुछ नियम कानून जो है इसका पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है देख रहे होंगे इंटर पीएनआर ट्रेन नंबर अलाउ विथ कैप्चर, मतलब कि ट्रेन नंबर और पीएनआर नंबर कैप्चर के साथ डालना है, सेलेक्ट चेक बॉक्स टू कन्फर्म रूल एंड प्रोसीड, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे चेकबॉक्स को यहाँ पे टिक मार्क लगाने के लिए बोल रहा है, इससे हम लगा करके यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, फिलहाल जो है बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे किसी कारण से ये कैप्चर जो है ये गलत बता दिया है, तो हमें दोबारा से ट्राई करना है, इसमें फिलहाल अंक एक भी नहीं है, तो हम एक भी अंक नहीं डालेंगे, जैसे आपको मिला है वैसे हम डाल दिए। डालने के बाद फिर से इस पर टिक मार्क लगाना है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ पे पीएनआर सॉरी रॉन्ग ट्रेन नंबर बता रहा है, ट्रेन नंबर सॉरी मैंने गलत डाल दिया है, ट्रेन नंबर गलत में डाल दिया है, ये ट्रेन नंबर नहीं है, यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे हम कैप्चर को यहाँ पे फिर से मैं डाल दे रहा हूँ जो यहाँ पे है, कुछ भी गलत डालेंगे तो आपका काम नहीं करेगा, तो फिलहाल देख रहे होंगे जैसे मैंने ट्रेन नंबर एक अंक गलत डाल दिया था 4D, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे एक डेमो भी दिखाया है, यहाँ पे पीएनआर नंबर कहाँ होता है और ट्रेन नंबर कहाँ होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिख रहा है क्या, मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट एगेंस्ट द पीएनआर नंबर, ये बोल रहा है कि आपका मोबाइल नंबर इस पीएनआर नंबर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हालांकि जो टिकट बुकिंग किया है उसने अपना मोबाइल नंबर दिया था, लेकिन टिकट जो रिजर्वेशन क्लर्क होते हैं जो टिकट को बुकिंग करते हैं रिजर्वेशन करते हैं उन लोगों ने अपना लापरवाही के चलते बहुत लोग जो है मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं, वो खाली छोड़ देते हैं, हालांकि आप देंगे लिख करके तब भी नहीं डालते हैं, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा है मोबाइल नंबर टाइप करने में, उन लोग का समय बचत करने के कारण अगर मोबाइल नंबर क्या टाइप करूँ छोड़ो ऐसा करके उन लोग छोड़ देते हैं, तो इस कारण से ये टिकट जो है कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि हम बोले हैं कि मोबाइल नंबर रहेगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं जहाँ पे अब जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था टिकट के साथ में अगर दिया होता है तो उस पर एक OTP आता है, OTP डाल करके हम कन्फर्म करके कैंसिल कर लेते हैं। आपको डिस्प्ले यहाँ पर लिखा हुआ भी है सारा कुछ, आपको डिस्प्ले पर शो करता है आपका ट्रेन के बारे में पूरा डिटेल जर्नी डिटेल सब कुछ शो करता है, और इसके बाद कैंसिल करने का आपको ऑप्शन मिलता है, कैंसिल जब आप करते हैं तो आपके सामने जो पैसा रिटर्निंग जो अमाउंट आपका था कि कितना रुपए आपको मिल रहा है सारा आपको डिस्प्ले पे आपको शो करेगा यहाँ पे, हालांकि सब कुछ लिखा हुआ है, और इसके बाद एक कॉन्फर्मेशन आपको मैसेज भी आएगा योर पीएनआर नंबर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हैज़ बीन कैंसिलेड कलेक्ट रिफंड AMT फॉर्म जर्नी कमिंग स्टेशन फॉर नियरेस्ट स्टेशन PRS लोकेशन रेफरेंस टर्म एंड कंडीशन,
तो इस तरह से आपको ये टिकट को कैंसिल करके आप पैसा को ले सकते हैं। यही प्रोसेस है, आपको बस ट्रेन नंबर यहाँ पे ट्रेन पीनार नंबर डालना है, ट्रेन नंबर कैप्चर और यहाँ पे चेक बॉक्स को ओपन सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको OTP आएगा, वो अपने मोबाइल नंबर पे आपको OTP डाल करके टिकट को कैंसिल कंफर्म पर देख लेंगे, अच्छे से सब कुछ कंफर्म करेंगे। आपका स्क्रीन पे मैसेज भी एक स्क्रीन पे आपको शो भी करेगा कि आपका कैंसिल में कितना रुपये मिलेगा, सारा पैसेंजर का डिटेल भी आपको शो करेगा। इसके बाद आपका पास मैसेज भी आ जाएगा कैंसिलेशन का, जो आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा उस पर, और अपना नज़दीकी काउंटर पर जा कर के आप पैसा जो है आप 4 घंटे पहले आप ट्रेन खुलने से ले लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे कोई इससे ज़्यादा कोई सवाल हो तो आप रेलवे के 139 पर आप कॉल करके इसके संबंध में जानकारी ले पाएंगे, और 139 पर कॉल करने के बाद आप कस्टमर केयर को से बात करके आप वहाँ से भी आप कैंसिल अपना टिकट को करा सकते हैं। आपको आपसे आपका PNR नंबर पूछा जाएगा, ट्रेन नंबर पूछा जाएगा और आपका OTP लेगा, वो बस आपका PNR नंबर से भी उन लोग अपना सब कुछ कर लेगा, PNR नंबर लेगा और OTP आपसे पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वहाँ से भी आप कैंसिल करवा सकते हैं, आप खुद से भी कैंसिल कर सकते हैं, टिकट काउंटर से भी आप जा करके कैंसिल कर सकते हैं। जिनका ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ रहेगा, कार्ड से पेमेंट किया हुआ रहेगा, उनको पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जिनका कैश दे करके पेमेंट किया हो रहेगा, उन्हें जा करके रेलवे काउंटर से ही पैसा लेना होगा, लेकिन ये कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से भी। आपको 3 तरीका से अपना टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से कर सकते हैं कहीं से भी, या आप कस्टमर केयर के 139 पर रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉल करके आप टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। आपको OTP वहाँ पर भी बताना होगा, PNR नंबर, ट्रेन नंबर। आशा करता हूँ जानकारी से आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।